इस फिल्म के सारे किरदार काल्पनिक हैं और साथ ही साथ काफ़ी विले भी हैं। उनके पास करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए हमने ये फिल्म बना डाली। आप लोगों के पास पूरा हक है कि आप ये फिल्म देखिए और इसका मजाक बनाइए, क्योंकि हम भी ये देखकर यही करते हैं। सो आप लोग ले आइए अपने अपने पॉपकॉर्न और तैयार हो जाइए। ओह सॉरी, बाहर तो जा ही नहीं सकते, तो एक काम कीजिए, पानी का ग्लास ले आइए और मूवी देखते वक्त अपने अपने फ़ोन या फिर लैपटॉप पर फेंक दीजिए, क्योंकि ये फिल्म वही डिजर्व करती है। धन्यवाद। ले भाई, लग गई लंका। क्या हुआ? और चल गोवा, और मार सेल्फीज, और नाच ब्लू आइज पे। अरे हुआ क्या? इसके बाप ने प्रोजेक्ट दे दिया है। कौन से वाले? वही जो तेरा था। हो गया तुम लोग का मजाक, अब मुझे कोई बताएगा हुआ क्या है? प्रोफेसर साहब ने फिल्म मेकिंग का प्रोजेक्ट दिया है और सबमिट करने की लास्ट डेट है 5 दिन बाद। अबे तुझे पता था तो बताया क्यों नहीं? क्योंकि तेरा बर्थडे सेलिब्रेशन इन गोवा कैंसिल हो जाता। और भाई इस बार अगर फेल हुए ना तो यहीं बैठ के डिसाइड कर लेना कि कौन भेलपुरी का ठेला लगाएगा और कौन पाव भाजी का। मुझे तो भाई यूजर्स भी दिखाई दे रहे हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा यार, हम लोग फिल्म बनाएंगे वो भी तगड़ी। बस तुम सब लोग अपने अपने बैग्स पैक करो और चलो। पर हमारे पास तो कोई टॉपिक ही नहीं है। चाइल्ड लेबर, पॉलिटिक्स भी एक ऑप्शन है। अगर इन्हीं सब पर फिल्म बनानी है ना तो यहीं बैठ कर डिसाइड भी कर लेना कि तुम लोगों के ठेलों के नाम क्या होंगे। इन पर तो सब बनाते हैं यार, अगर पास होना है तो कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। और मेरे पास एक ऑप्शन है, अगर तुम लोग मेरा साथ दो तो। और वो क्या है? गोवा में जब तुम लोग सेल्फी ले रहे थे तभी से मैंने इस प्रोजेक्ट पे थोड़ा सा काम करना स्टार्ट कर दिया था। मैं एक ऐसी जगह के बारे में जानता हूँ जहाँ पे काफ़ी सारी नेगेटिव एनर्जीज के बारे में सुना गया है। भाई तू भूत भूत के चक्कर में तो नहीं पड़ रहा ना? अरे उसे बोलने दो यार। डूंगरगढ़ के जंगलों में 60 किलोमीटर अंदर जाकर एक शमशान आता है और उसी शमशान के पास एक मंदिर है। और ऐसा कहा जाता है कि वहाँ जो भी आज तक गया वो या तो अपना मानसिक संतुलन खो बैठा या फिर कभी लौट कर नहीं आया। और उस मंदिर की खास बात यह है, वहाँ ना तो कोई पुजारी है, ना ही कोई मूर्ति और ना ही कोई श्रद्धालु। भाई बट ऐसा है क्यों? अरे हमें क्या लेना है यार, हम लोग वहाँ जाएंगे, कोई भी नेगेटिव एनर्जी को कैमरे पे कैप्चर करेंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे और प्रोफेसर को सबमिट कराएंगे। तुम लोग सही में ऐसा कुछ करने की सोच रहे हो? यस। चल बे, मैं ठेला ही लगा लूंगा, मुझसे नहीं होगा ये सब। भाई अगर नहीं भी सबमिट किया तो फेल ही होना है, तो क्यों ना एक ट्राई कर ले। यही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ यार। बस फिर पैक करो अपने कच्चे और चलो फिल्म बनाने। भाइयों एक रिक्वेस्ट है यार, जाते जाते बस यार एक कच्चा नया ले लेने देना यार, कहना दो ही थे और एक फट चुका है यार। ये कैसे दोस्त है मेरे? एक का कच्चा फट रहा है और एक की। हाँ और एक और चीज, मैं एक ऐसे टीवी रिपोर्टर को जानता हूँ जो कुछ साल पहले वहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाने गया था फॉरेन ग्रुप के साथ। हाँ बेस्ट है, पहले उससे जाके मिलते हैं। चल भाई आज तो पता ही किया। चल भाई कैसे? ओए हेलो, कोई मजाक नहीं करेगा, पैक योर बैग्स और चलो। हेलो सर। हेलो सर, हम लोग मास कॉम के स्टूडेंट्स हैं और एक बहुत ही यूनिक सब्जेक्ट पर फिल्म बनाना चाह रहे हैं और मुझे लगता है शायद आप उसमें हमारी कोई मदद कर पाएं। हाँ बताइए। बेसिकली सर हम डूंगरगढ़ के बारे में जानना चाह रहे थे। हाँ तुम लोग उस पर फिल्म बना रहे हो? कोई छोटा मोटा टॉपिक लेके फिल्म बना लो, क्यों अपने घर वालों को रोने का मौका देना चाहते हो? सर ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप प्लीज़ हमारी कुछ मदद कर पाए तो कुछ बताइए। बच्चों जो तुम करने वाले हो ये सब आसान नहीं होने वाला है। हम रेडी हैं सर, आप सिर्फ बताइए। तो सुनो, आज से 2 साल पहले मेरा काम देखकर एक फॉरेन मीडिया ग्रुप ने मुझे एक डॉक्यूमेंट्री के लिए अप्रोच किया और मैं मान गया, क्योंकि उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छा पैकेज ऑफर किया था। फिर क्या हुआ सर? फिर हम लोग भी निकल पड़े तुम लोगों की तरह एक यूनिक और ज़बरदस्त डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए। लेकिन जैसे जैसे हम मंदिर के करीब पहुंचते रहे, रास्ते में हम लोगों के सपने और मेंबर्स कम होते रहे। रास्ते में हमें बहुत कुछ अजीब लगा, जैसे जंगल के लोग इतनी गर्मी के बावजूद भी शौक लगते थे। फीवर भी तो हो सकता है सर? फीवर एक को हो सकता है बेटा, सबको नहीं। हाँ वहाँ कुछ लोग थे जो शॉल नहीं रखते थे, मगर उनके बारे में कहा जाता है कि वो मंदिर में रेगुलर पूजा करते थे, वो भी बिना किसी मूर्ति के। क्या मजाक है सर, आगे तो बताइए। फिर एक रात हम रास्ते में टेंट लगा के रुके, सुबह उठते ही हमने देखा कि हम 7 में से 2 बचे थे। पहले मैंने सोचा है शेर की वजह से भी हो सकता है, पर हमें तो ऐसी कोई आवाज़ सुनाई ही नहीं दी थी। आगे? आगे क्या, फिर मैं और वो अंग्रेज वहाँ से वापस आ गए और वहाँ से ना फिरंगी लौटे और ना मेरा पैसा, इसलिए राय दे रहा हूँ वहाँ जाना ठीक नहीं है। थैंक यू सर।
और हाँ, वहाँ कोई मुसीबत आ जाए तो मुझे याद मत करना। ओए देख, कोई खड़ा है वहाँ, हाथ दे रहा है। गौरव ध्यान मत दे, ध्यान मत दे, सीधे चल, सीधे चल, सीधे चल, सीधे चल। नहीं यार, क्या हुआ? मुझे लगता है हमें उसकी मदद करनी चाहिए। अबे चोर हुआ तो? अबे वो एक है और हम चार पांच। कहाँ जा रहे हो भैया? ऑस्ट्रेलिया। डूंगरगढ़ के जंगल तक। आधे रास्ते तक हमें भी छोड़ देते तो आपका भला होता। क्यों, नहीं छोड़ेंगे तो भला नहीं होगा? ऐसा कब कहा मैंने आपको? बाकी मजाक अच्छा कर लेते हैं आप। बैठिए उधर। बढ़िया बढ़िया भैया, यूं ले लो। यार भैया कड़ा तो तगड़ा है यार आपका। क्या हुआ? मुझे टॉयलेट जाना है भाई। लगी तो मुझे भी है। जिस जिसको जो करना है कर लो, आगे बाइक्स नहीं रुकेगी। भाई साहब आप भी कर सकते हो। मजा ही आ गया। साले तू मरवाएगा यार किसी दिन। मैं तो बोल ही रहा था कि नहीं बैठाना चाहिए उस आदमी को। अरे यार अब जो हुआ सो हुआ, यहाँ रुकने से क्या फायदा है? हम जिस काम के लिए आए हमें वो काम पूरा करना है। हमें प्रोजेक्ट सबमिट कराना है प्रोफेसर को। ये सब तो होता रहेगा यार, होता है। चलो। अरे मेरी बाइक को क्या हुआ यार? यार मेरी भी नहीं चल रही है। रुकना यार। अबे अब देखो रिकिम मिस्त्री का कमाल। नहीं हो रही यार ये तो। अबे रुकना, तू फालतू ही फाड़ रहा है। मुझे लगता है अब हमें यहाँ से पैदल जाना चाहिए, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। बाइक्स को यहीं छोड़ देते हैं, आगे अगर कोई रिपेयरिंग शॉप मिलेगी तो रिपेयर करा लेंगे। हाँ और आगे तो मेट्रोपॉलिटन सिटी खुली है। और कोई ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास। आपको आना है आइए, नहीं तो हम चलते। मुझे नहीं आना। तुझे यहीं रुकना है, रुक, हम तो चले। चलो। आई गया ना साले। अरे अरे देखो कोई कार खड़ी है वहां पे। कहाँ? भाई कार है तो ड्राइवर भी तो होगा। अरे चलो ना यार, क्या पता हमें लिफ्ट मिल जाए। वो पूरा वोरा वो खड़ा, वो खड़ा। अरे यार बॉडी देख इसकी। चलना यार, बात करते हैं, लिफ्ट मिलेगी। एक्सक्यूज मी। हाँ बोलिए। हमारी बाइक्स खराब हो गई है। तो अगर आप हमें लिफ्ट दे देंगे तो हमारा कॉलेज प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। कहाँ तक जाएंगे? भैया हम लोग डूंगरगढ़ के जंगल तक जाना चाह रहे थे। बैठिए। लेकिन एक बात सुन लीजिए, मुझे ज्यादा शोर पसंद नहीं।
क्या हुआ भैया? लगता है कार में कुछ प्रॉब्लम है, मुझे चेक करना होगा। जब से सीरिया में आए सब कुछ खराब हो रहा है, पहले उस आदमी का मिलना और फिर बाइक खराब और अब ये कार खराब। यार ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है और कुछ नहीं। आई थिंक इंजन में कुछ प्रॉब्लम है और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे ये रिपेयर हो पाएगी। चलो फिर आगे का सफर पैदल ही पूरा करते हैं, क्योंकि अब यहाँ तक आए हैं तो खाली हाथ तो नहीं लौट सकते। मेरी मानो, पीछे चलते हैं, जिंदा तो बचेंगे। भाई आगे भी जाएंगे, जिंदा भी बचेंगे, और प्रोजेक्ट भी कंप्लीट करेंगे और घर भी जाएंगे। चलो चलते हैं भाई। मुझे कुछ आवाजें सुनाई दे रही हैं, हमें संभल के चलना। हाँ यार दूर भी बहुत आ गए अपन। हाँ भाई। यार एक शेर याद आ गया, तुझे हंसते देखा तो ऐसा लगा इंसान पहले बंदर था। तुझे हंसते देखा तो ऐसा लगा इंसान पहले बंदर था। नाराज मत हो ना दोस्त, तुझे नाराज होते हुए देखा तो ऐसा लगा इंसान आज भी बंदर ही है। यार ये आइटम बचपन से ऐसा है या अभी अभी ऐसा हुआ? इसकी बहुत लंबी कहानी है। हो सकता है हमें जंगलों की गहराई तक जाना हो। भाइयों भैया थोड़ी देर रुक सकते हैं क्या प्लीज? पागल है क्या तू? पहले इतना कुछ हो चुका है और तुझे रुकने की पड़ी है। सफर लंबा है, मुझे लगता है थोड़ी देर रुकना मुनासिब होगा। यहाँ कहीं पास में ही आराम कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। यार भैया बॉडी तो कमाल है यार आपकी, हमारे अर्शद से बस थोड़ी सी कम है। अरे अर्शद का ध्यान अभी बॉडी से ज्यादा कहीं और है। यार एक बात समझ में नहीं आई, अपन लोग तो फिर भी यहाँ प्रोजेक्ट कंप्लीट करने आए हैं, लेकिन भैया के यहाँ आने का क्या रीजन है? आज से 30 दिन पहले तुम लोगों की तरह ही मेरा भाई भी इसी जंगल में आया था। मुझे हमेशा से ही उसकी काफी फिक्र रहती थी। लास्ट टाइम जब मेरी उससे बात हुई वो बहुत खुश था। वो मेरे को कह रहा था कि मेरे यहां पे बहुत सारे दोस्त बन गए हैं और यहां के लोग बहुत सीधे भी हैं। लेकिन एक बात जब उसने मुझे कही कि भैया यहां पे सब चीज ठीक है, सब चीज बहुत अच्छी है, लेकिन यहां के लोग हाथ में बहुत मोटे मोटे कड़े पहनते हैं। बस जब भी उसने मुझे ये बात कही अचानक से ही फोन डिस्कनेक्ट हो गया। मैंने काफी रिसर्च किया है, आज से ठीक 200 साल पहले यहां पे एक मंदिर हुआ करता था और उस मंदिर में कोई मूर्ति नहीं थी, सिर्फ एक राजा यहां पे विराजमान हुआ करता था और पूरा गांव उसकी पूजा किया करता था। लोग कहते हैं कि उस राजा को तंत्र मंत्र में महारत हासिल थी। लोग तो ये भी कहते हैं कि वो इंसानों का दिमाग खाया करता था, तो वो एक एक करके गांव वालों का दिमाग बड़ी बेदर्दी से खाने लगा। जब सारे गांव वाले खत्म हो गए तो उसने अपने दास दासियों का दिमाग और गोश बड़ी बेरहमी से खाना शुरू कर दिया, तो उसी के ही दास ने उसे जान से मार दिया। वो गांव वाले ये भी कहते हैं कि मरने के बाद भी उसकी आत्मा आज भी यही इसी जंगलों में भटकती रहती है और अपने नए शिकार की तलाश करती रहती है। अगर मुझे अपने भाई के बारे में पता लगाना है तो सबसे पहले मुझे उस राजा की कब्र को ढूंढना होगा, वहीं से मुझे मेरे भाई का पता चल सकता है, और उस मंदिर में जाना होगा जहां पे कोई मूर्ति नहीं। हम लोग भी आपके साथ चल सकते हैं? देखो तुम लोग मेरे साथ चल तो सकते हो, लेकिन वापस आ पाओगे ये मैं नहीं जानता।
क्योंकि मैं खुद भी यहां पे सेफ बिल्कुल नहीं। हम लोग तैयार हैं। देखो बच्चों, ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी रास्ता बहुत बड़ा और बहुत मुश्किल है। मैं तो अपने भाई के लिए यहां पे जा रहा हूं, लेकिन तुम्हारे लिए तो पूरी जिंदगी बची है। एनीवेज, चॉइस इज योर्स। नो प्रॉब्लम सर। तो फिर खड़े हो और मेरे पीछे आओ। देखते हैं इस जंगल में सही में जो गांव वाले कथाएं बताते हैं वो कितनी सच है। वो तो अंदर जाके ही पता चलेगा। आ जाओ।